नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एलिगेशन पार्ट एट। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं या फिर आपको मैथ आता है, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, जो अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी तरह का एलिगेशन से रिलेटेड अगर मैथ पूछेगा तो आप उसको आसानी से डील कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आपको कभी भी उस तरह का सवाल छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास को ज़रूर देखिए, तब आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। और आपको पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर इस तरह से करके वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चन का लेवल ईजी रखा है और उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ाया है। तो क्वेश्चन का लेवल जो है उस अनुसार आपको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री इस तरह करके, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है, और मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध का पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो देखिए, पहले जो था दूध और पानी का अनुपात 2:1 था, यानी 2 लीटर दूध तो 1 लीटर पानी। और दूसरा बार कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो यानी कि आपको दूध हो जाए 1 लीटर और पानी हो जाए 2 लीटर, यानी आपको मिलाना क्या है, पानी। यानी कहने का मतलब कि जो दूध है उसको कुछ नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। अरे भाई, मान लीजिए कि मिश्रण है, तो मिश्रण में अगर पानी आप डालिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही ना कह रहा है कि और कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी डालिएगा तो पानी का ना क्वांटिटी बढ़ेगा, दूध का क्वांटिटी थोड़ी बढ़ेगा। दूध तो आपको कॉन्स्टेंट रहेगा, दूध तो आपको स्थिर रहेगा। खाली पानी मिलाइएगा उस मिश्रण में, दूध पानी के मिश्रण में, तो पानी का ना क्वांटिटी बढ़ेगा, तो आपको पानी जो है उसका क्वांटिटी घटेगा, बढ़ेगा, जो भी होगा, सॉरी बढ़ेगा, घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो मिलाइएगा तो पानी बढ़ेगा, दूध तो नहीं बढ़ेगा, तो दूध आपका कॉन्स्टेंट है। तो हम देखिए इस तरह से कर लेंगे, टोटल आपको जो मिश्रण है वो 75 लीटर है, टोटल मिश्रण आपको 75 लीटर है। अब पहलका जो आपको प्रारंभिक मिश्रण था दूध पानी का, वो था 2:1, तो आपको दूध का कितना भाग है इसमें, इस पहलका मिश्रण में दूध का कितना भाग है, तो 2/3 भाग है। टोटल मिश्रण आपको 2:1 हो गया, और इसमें 2/3 भाग आपको दूध हो गया। तो 75 का 2/3 इधर कर दीजिए, अब बराबर। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए। तो 75 मिश्रण है आपका 75 लीटर, तो मान लीजिए कि उसमें 1 लीटर पानी मिलाते हैं, मान लेते हैं कि हम 1 लीटर पानी मिलाते हैं, तो आपको 1:2 यानी 3 है आपका टोटल मिश्रण, और इसमें दूध कितना है, दूध आपको 1 है, तो दूध आपको जो हो गया 1/3 भाग हो गया, 1/3 भाग दूध हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये इक्वेशन आ गया, दोनों बराबर है ना एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि मिश्रण में पानी डालने से पहले और मिश्रण में पानी डालने के बाद भी जो दूध है उसके क्वांटिटी में कोई वृद्धि नहीं होती है, बल्कि जल के क्वांटिटी में वृद्धि होती है, और यहाँ मैंने सिर्फ दूध का भाग लिया है, इसीलिए दोनों बराबर है। बात समझ में आया। अब देखिए 3 से 3 कट दीजिए, तो आपको हो गया इधर 75 × 150, और इधर हो गया 75 + x, तो आपको 75 यहाँ जो है इसको ले जाइए इधर, तो प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, तो 150 में से 75 घटेगा, तो हो जाएगा x का मान 75, x का मान कितना हो गया 75, यानी 75 लीटर आपको पानी हो गया, है ना। अब देखिए, अब आपको 75 लीटर इसमें पानी मिलाना है, ये बात कह रहा है। अगर आप इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं दूसरा तरीका से आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको प्रारंभिक जो आपको मिश्रण है 75 लीटर मिश्रण जो है उसमें 2 लीटर आपको दूध है, 2 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, मान लीजिए कि 2:1 में है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो। तो अब देखिए, आपको 2:1 का जो मिश्रण है उसका टोटल मिश्रण को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:1। 3 प्रारंभिक मिश्रण 75 लीटर रियल वैल्यू के बराबर है,
अरे भाई, ये 2:1 के मिश्रण में 2 लीटर दूध तो 1 लीटर पानी, और इसका टोटल को जोड़ेंगे तो अनुपात 3 हो जाएगा ना। ये अनुपात 3 रियल वैल्यू 75 लीटर के बराबर है। 75 लीटर मिश्रण कहा है ना, तो 75 लीटर के बराबर है। तो अनुपात 3 का मान अगर 75 लीटर है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 25। 75/25, सॉरी 75/3, तो आपको कट जाएगा 25 75, यानी 25 लीटर। बात समझ में आया ना? यानी अनुपात 3 का मान यदि 75 है, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 75/3। तो इसको कटा दीजिएगा तो 25 ना होगा, तो अनुपात 1 का मान 25 लीटर। तो अब देखिए, जब आपको अनुपात 1 का मान पता है, तो आप अनुपात 2 और अनुपात 1 का मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अनुपात 1 का मान 25 लीटर, तो अनुपात 2 का मान 25 × 50 लीटर, अनुपात 1 का मान 25 × 25 यानी 25 लीटर। तो 50 में 25 जोड़िएगा तो कितना होगा? 50 में 25 जोड़िएगा तो कितना होगा आपको? 75 होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आपको कह रहा है कि 50 लीटर दूध है, ठीक है, 50 लीटर आपको दूध है, आप 25 लीटर आपको पानी है। तो कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए, यही ना कह रहा है। देखिए यहाँ 1:2 हो जाए, तो इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं, 1:2 यानी 1/2। तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी के ना क्वांटिटी में वृद्धि होगा, दूध के क्वांटिटी में थोड़े वृद्धि होगा अगर आप पानी मिलाइएगा। तो 50 में x नहीं लिखिएगा, पानी में x लिखिएगा, यानी 25 लीटर पानी प्लस x। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बन गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये 25 + x हो गया इधर, आ इधर 50 × 100 हो गया। अब इस तरह से ये जो 25 है, अगर जब इधर जाएगा तो आपको 100 में से 25 घटा दीजिएगा, तो x का वैल्यू 75 हो जाएगा, यानी कि आपको 1 75 लीटर पानी इसमें मिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 200 ग्राम के एक मिश्र धातु के जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए? देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए? तो पहले जो आपको तांबा जस्ता है वह 5 है, 5, और तांबा कितना है? 3 है ना। तो दोनों को जब मिलाइएगा, यानी 5 और 3 को जोड़िएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। 8 ग्राम रियल वैल्यू 200 ग्राम के बराबर है। ठीक, यहाँ हो गया। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 200 बटा कितना है यहाँ पे, इतना 8 है ना, तो 200/8 कर दीजिए। यहाँ पे गलती से 8 छूट गया है, ध्यान दीजिएगा, 5 3 जोड़ने के बाद यहाँ पे 8 है, ठीक ना। तो 200/8 कर दीजिएगा, तो अनुपात 1 का मान निकल जाएगा, तो आपको 25 बटे 200, तो यानी अनुपात 1 का मान 25 ग्राम। ठीक, अब सुनिए, जब अनुपात 1 का मान आपके पास निकल गया, तो आप अनुपात 5 का मान निकाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अनुपात 1 का मान 25 ग्राम, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा? 25 × 5 = 125। अनुपात 1 का मान 25 ग्राम, तो अनुपात 3 का मान कितना? 25 × 3 = 75, तो 75 ग्राम है, 125 ग्राम है। अब कह रहा है कि इसमें इसमें यानी 125 ग्राम और 75 ग्राम में इसमें कितना तांबा मिलाया जाए कि अनुपात 3/5 हो जाए? तो भाई, अगर आप जस्ता और तांबा के मिश्रण में तांबा मिलाइएगा, तो तांबे के ना मात्रा बढ़ेगा, जस्ता के मात्रा थोड़े बढ़ेगा। तो तांबा के मात्रा कितना है? तांबा के मात्रा है 75, और जस्ता के मात्रा है 125। तो जस्ता के मात्रा 125 लिख दिए, और तांबा के मात्रा 75 लिख दिए, और उसमें हम कुछ तांबा के मात्रा बढ़ा दिए, जो हमको पता करना है कि कितना बढ़ाया जाए। तो +x कर दिए तांबा में, अब उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है? 3/5। तो 3/5 कर दिए, क्योंकि हम अनुपात को हम बट्टा में लिख सकते हैं, 3/5 कर दिए। अब इक्वेशन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 से 75 + x में गुना कर दीजिए, और 5 से 125 में गुना कर दीजिए। तो 3 से 75 में गुना कीजिएगा तो 225 हो जाएगा, और 3 से x में गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा। 125 से 5 में गुना कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। तो आपको ये प्लस में 225 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 625 में से 225 घटाइएगा तो 400, यानी 3x = 400। तो x = 400/3, यानी 400 और 3 से आप भागा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 133.33 kg। यानी कहने का मतलब कि इसमें आपको 133.33 kg तांबा मिलाना चाहिए अनुपात 3:5 में करने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर एवं अल्मोनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 98 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्मोनियम के भार का अंतर बताइए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्मोनियम के भार 2:3:7 के अनुपात में है। तो 98 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में
मिश्र धातु में जिंक तथा अल्मुनियम के भार का अंतर बताइए, यानी आपको बताना है जिंक और अल्मुनियम के भार का अंतर। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है आपको कि सबसे पहले आप लिख लीजिए कि जिंक जो है वो 2 के अनुपात में है, 3 कॉपर आपको 3 के अनुपात में है, अल्मुनियम आपको 7 के अनुपात में है, और तीनों को जोड़ दीजिए, 3 2 3 कितना हो गया, 5, 2 3 5 और 7 कितना हो गया, 2 3 5 7 आपको 12, तब 12 आपको आ गया, अनुपात 12 कितना वैल्यू के बराबर है, 48 किलोग्राम, सॉरी यहाँ पे 98 किलोग्राम मैंने गलती से लिख दिया है, ये आपको 48 किलोग्राम है, 48 किलोग्राम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। देखिए तो ये तीनों को मिश्र धातु है, तो ये तीनों को जोड़ कर लिखिए तो अनुपात 12 हो गया, अनुपात 12 टोटल मिश्र धातु का भार कितना है, 48 किलोग्राम, तो यानी अनुपात 12 का मान आपको रियल वैल्यू 48 किलोग्राम के है। तो अब आपको अनुपात 1 का मान निकालना है, तो 48 बट्टा 12 कर दीजिए, तो 48 बट्टा 12 के, तो 12 चौके 48, यानी अनुपात 1 का मान आपको आ गया 4 किलोग्राम, अनुपात 1 का मान 4 किलोग्राम। जब अनुपात 1 का मान आपको पता है तो आप ये तीनों का निकाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो तीनों का निकालने से पहले आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जिंक तथा अल्मुनियम के भार का अंतर बताइए, जिंक और अल्मुनियम के भार का अंतर पूछ रहा है। तो जिंक है 2, अल्मुनियम है आपको 7, तो ई अल्मुनियम में से आप जिंक को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, अनुपात 5 आ जाएगा ना, तो अनुपात 5 अगर आ गया दोनों का अंतर, तो अनुपात 5 आ गया, तो अनुपात 1 का मान जब आपको पता है कि 4 kg है, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 5 का मान हो जाएगा 5 × 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 20, यानी 20 kg आपको एल्युमिनियम और जिंक के बीच अंतर है। ठीक, बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अब उस समय जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन भी आप बिल्कुल दबा दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।